हेलो फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम। नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि, सब शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी सबके घर में सुख रखे, शांति रखे, सबके यहाँ पे खुशियाँ लाए, सबकी मनोकामनाएं पूरे करे। आज के दिन सबके घरों की सबके परिवार ठीक ठाक रहे। सब लोग माता रानी से यही आशा करते हैं कि सब लोग ठीक रहें अपने घर परिवार में। और आज माता रानी के नवरात्रों पे हम अपने आप को मंदिर दिखाते हैं, जो मंदिर में अभी माता रानी की जो सामान होता है वो रख रहे हैं। जैसे आज के दिन हम अखंड जोड़ जलाते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं आपको। और माता रानी के जो हम जोग करते हैं वो भी चीज़ दिखाएंगे आपको। आइए चल मंदिर में दिखाते हैं किस तरीके के मंदिर हमने सजा रहे हैं। ये माता रानी के नवरात्रों का सामान ले आए हैं आज, और ये कट्टे में भी सामान है, खाने का भी है और माता रानी के मंदिर का भी है। ये मंदिर का भी सामान है, ये रखे गोले और देसी घी। आज नवरात्रि है, पहला नवरात्रि का व्रत है, और नवरात्रि के लिए हम ये खेतरी करते हैं अपने घर में। ये जो है और ये मिट्टी और ये रेत, ये सब मिला के हम खेतरी बनाते हैं। जो ये खेतरी होगी, जो माता रानी खुश हो जाती है तो खेतरी जाती है। और ये पत्ते हैं आम के और ये माला है। और अभी मैं मिट्टी डाल के इन्हें खेतरी को सही से कर रहा हूँ, जो ये खेतरी हो जाए। इच्छा ये देखिए, मंदिर को सजा रहे हैं हम, और ये अखंड जोत के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अखंड जोत जलाएंगे। और ये रखिए सामान जो रखना। और ये मंदिर देखिए कैसे, और कान्हा जी भी हैं हमारे, और सब चीज़ देखिए मंदिर की आज सजावट कैसे हो रखी है। ये मैडम फूल लेके आई हैं, माला जो सिंगार, अभी माला रखे तस्वीरों पे चढ़ाएंगे। ये नारियल कहाँ जाएगा, ये नारियल किधर रखे, रोक देते कहाँ जाएगा। ये जो नारियल है, एक नारियल हमने कलश पे रख दिया है यहाँ पे, और ये नारियल मंदिर जाएगा, मंदिर में चढ़ा के आएंगे। अब मैं माला चढ़ाता हूँ। एक माला मैं यहाँ पे जोत खेतरी पे करता हूँ। एक माला मैं कलश पे चढ़ाता हूँ। एक माला मैं कान्हा जी के उस पर करता हूँ, कान्हा जी का रंग आ गया। ये माता की चुन्नी है, मैं चुन्नी चढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये ऋषि का आज इसका बर्थडे है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ऋषि से एक सवाल पूछता हूँ। ऋषि का अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके दांतों का कलर कौन सा होगा? चलो इसमें भी दिमाग है का मान लेते हैं। चल रहा हूँ, फिर अपना काम।
ये अच्छी सुंदर लग रही है, इसके अच्छी लग रही है। जलाऊं कर ले। देखो फ्रेंड्स पूजा करने आई, चप्पल तो उतारी नहीं इनने। गाय ये भी नहीं उतारा थी, मेरी चप्पल उतरी हुई है। प्रांशु पंडित बन गया है। आहा दादा मैं तुझे स्वाहा ऐसे यू प्रांशु की प्रांशु चल जय सच्चा ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय, वाली माता तेरी सदाई जय। अखंड जोत आज प्रांशु ने जलाई है इस बार, नहीं तो हर बार मैं जलाता था। ईशी का भी आ गई है आज मंदिर हमारे यहाँ पूजा करने। जय हो माता मेरी संपत्ति दूर कर दे। चलो बाहर चलो, प्रांशु भगवान जी से कुछ मांग रहा है, शेराली माता से टीका लगा सबको। बारी बारी सब पूजा कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जोत के और माता रानी के कंठ जोत के। अब पापा खेतरी पे जल चढ़ा रहे हैं। किताब तो बताई नहीं नंदन ने इस बार सफाई के लिए। इसी का टीका लेके आई है, पहले माता को लगा, खेतरी को लगा, सबको लगा, पहले हाथ धोया जाके इशिका। अब टीका लगा रही है, कौन सी उंगली से लगा, सब भगवान को टीका लगा देगी। ये लगा ले पहले। जय माता की, जय माता की, जय माता जन्मदिन है और पहले नवरात्र है माता रानी के, आई हमारे घर माता रानी। जय हो स्टेला, तू कब लगा? हाय शिखर, यहाँ ही लगा रहा है, यहीं पर। फिर रुक जा, काट लेगा। नहीं इसका क्या हुआ है? हाँ कबूतर के भी, कबूतर के भी लगा रहे हैं। हमारी रानी के आते हैं। ये वहाँ से फ्रेंड्स से प्रांशु का पूर जला रहे हैं। आरती करो, प्रांशु आरती कर रहे हैं। इशिका आरती कर रही है। ये देखिए आर्यन के बर्थ नहीं है, हमारे बर्थ है। तो आर्यन ने हमारे से पहले, हम मंदिर जा रहे हैं तो पहले ही धावा बोल दिया बर्थ के चिप्सों पे कि जल्दी से खा लूँ, किसी को पता ना चले। भूख लग रही है। आर्यन बर्थ रखता था पर लेकिन इस बार बर्थ नहीं रखे इसने, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है। पहले भी तो स्कूल जाते थे, तब छुट्टी थी। अब हम सब मंदिर जा रहे हैं, मंदिर पूजा करके आते हैं। चलो मंदिर चलते हैं, छोड़ो ना। मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर से, ये ना पास में ही है। और अभी माता के श्रृंगार के लिए दुकान से थोड़ा सा
सामान लेंगे माता के लिए श्रृंगार का इन दुकान से। और मंदिर देखो, प्रांशु जहाँ गया है वो मंदिर है उधर, और यहाँ से सामान लेंगे श्रृंगार का माता के लिए। ये मंदिर के लिए ले लिया है श्रृंगार, कंघी, मेहंदी, लिपस्टिक और रेड कलर की चूड़ी और बिंदी। ये सिंदूर है, सिंदूर ये मंदिर में चढ़ाएंगे श्रृंगार का सामान माता को। ये जो मंदिर आ गया है, हाँ मंदिर चलते हैं। बच्चे मंदिर चले भी गए, ये रहे, ये रहा मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये माता की वो कर रहे हैं श्रृंगार रख रहे हैं जो लाए हैं, और गोला ये रहा नारियल, ये माता के हम यह मंदिर पूजा करने आते हैं। ये हनुमान जी भी है, ये हनुमान, ये हनुमान, ये जो चलाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये गणेश जी, और ये माता शेरावाली, माता शेरावाली की तस्वीर, और ये हमारे शेषनाग जी और पिंडी और सारे भगवान, नंदी सारे भगवान यहाँ हैं। आज इसी का जन्मदिन है, पहले नवरात्र पे। देखिए बच्चे जल ले रहे हैं चढ़ाने के लिए पिंडी पे। ये देखिए इसी का भी जल लिया ही, और प्रांशु भी लिया है। चलो बच्चों चढ़ाओ, बहुत अच्छे दिन आज इशिका का जन्मदिन है, माता के नवरात्र है पहला। जय माता की, सब बोलो शेरा वाली माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोले बाबा की। हनुमान जी हैं, क्यों बदतमीजी कर रहा है? आलू ले आते हैं व्रत के लिए, घर में आलू भी ख़त्म हो गए थे तो अब चल के आलू ले आते हैं व्रत में, और व्रत में आलू खाएंगे और बनाएंगे फिर। तो माता रानी के लिए भूख लग रहा है, भूख की थाली दिखाता हूँ आपको। ये आलू है, ये रायता है, दही है, और ये मूली की सब्जी है, और ये थोड़े से कुट्टू के पकौड़े बनाए हैं। ये ये जो जल रही है माता की अखंड, और ये कुट्टू की रोटी है। ये भोग लगा रहे हैं माता को, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे ही एंड करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाय, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।